18 मार्च को दिल्ली से बाया नालागढ़ हमीरपुर पहुंची नालागढ़ डिपो की बस में तीन यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हमीरपुर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते हमीरपुर जिला के 35 सवारियों की पहचान का अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि 35 में से 5 सवारियों ने खुद ही प्रशासन के पास आकर अपनी पहचान बताई है, जिन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली से नालागढ़ लाने वाले ड्राइवर कंडक्टर के साथ नालागढ़ से हमीरपुर बस लाने वाले ड्राइवर कंडक्टर को भी क्वारंटाइन किया गया है। एचआरटीसी के रीजनल मैनेजर विवेक लखनपाल ने कहा कि 35 यात्रियों की सूची हमारे पास पहुंची है। उन्होंने कहा कि उस बस में यात्रा करने वाले 5 लोगों की पहचान कर ली गई है और जिला प्रशासन द्वारा टीमें गठित कर उनकी पहचान की जा रही है, जो उस बस में सफर कर रहे थे। आरएम लखनपाल ने बताया कि बस बाद में नालागढ़ डिपो में चली गई थी, जिसे सैनिटाइज कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 18 मार्च को इस बस में सफर करने वाले यात्री खुद ही जिला प्रशासन के पास आकर अपनी जानकारी दें, ताकि कोरोना जैसी महामारी से काबू पाया जा सके। हाँ, ये बस ना नालागढ़ डिपो की है, जो 18 तारीख को 9:15 रात को हमीरपुर के लिए चली थी बाया नालागढ़ ऊना होते हुए। तो इसमें एक बात तो मैं कह दूँ कि जितने भी लोग दिल्ली से आए थे वो सारे के सारे नालागढ़ और बद्दी में उतर गए थे, और हमीरपुर जो लोग आए हैं उसमें पहली सवारी जो अजोली मोड़ से बैठी थी, जो स्टेशन जो है नंगल के पास है। तो हमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी मेज़र जो है हमें लेने चाहिए। तो उसमें जो टोटल लोगों ने सफ़र किया था वो 35 है, जो हमीरपुर में वह तक आए हुए हैं या हमीरपुर के अलग अलग स्थानों पर गए हुए हैं उस बस में सफ़र करके। तो अब हमारी कोशिश है कि उन 35 को लोकेट किया जाए, जिसमें से 5-7 लोगों को हमने लोकेट भी किया हुआ है, और उसका ड्राइवर जो है वो भी हमीरपुर का ही रहने वाला है, उसको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता चलेगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट की सौजन्य से उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। जो ड्राइवर कंडक्टर इस बस को दिल्ली से लेकर नालागढ़ तक आए थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया, और जो नालागढ़ से लेकर हमीरपुर तक आए थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया। साथ ही मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि जो भी उस तारीख को, स्पेशली 19 तारीख को सुबह इस बस में सफ़र किया है जिन भी लोगों ने और हमीरपुर में आए हुए हैं, तो उनसे विनती है कि वो अपने आप आ गया है और प्रशासन को बताएं, जो प्रशासन ने नंबर जारी किए हुए हैं, जिससे औरों को फैलने की आशंका ना बने। उसके बाद ये बस जो है वापस शाम को नालागढ़ के लिए गई थी, और उसके बाद इसको डिसैनिटाइज कर दिया गया है।